प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार। ठीक है, यदि हम देखें इस सभ्यता का विस्तार इस तरह से हम देखेंगे, पूर्व में उत्तर प्रदेश तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश तक, पश्चिम में, पूर्व में जो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर तक जो उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम में सुत कांगेडोर, सोते कांगेडोर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, उत्तर में इसका विस्तार मांडा तक, कहां तक है, कहां तक है, मांडा तक, जो जम्मू कश्मीर में है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। यदि हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में इसका विस्तार दैमाबाद, कहां तक, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में। इस प्रकार हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर तक, पश्चिम में सुत कांगेडोर, उत्तर में और दक्षिण में दैमाबाद तक। इस प्रकार ये जो प्राचीन सभ्यता थी इतने विस्तार में ये फैली हुई थी। यदि हम इसकी बात करें उत्तर से और दक्षिण तक, तो इसकी जो लंबाई थी वो लगभग 1400 किलोमीटर थी। पूर्व से पश्चिम में इसकी जो लंबाई थी वो लगभग 1600 किलोमीटर तक थी। ठीक है, और जो इसका क्षेत्रफल था वो था 215,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये कितने क्षेत्र में फैली हुई थी, 215,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कहां तक फैली हुई थी, ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों तक ये फैली हुई थी। और यदि हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान तक, सिंध आदि प्रांतों तक फैली हुई थी। ठीक है, तो कहां तक था इसका विस्तार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक, हरियाणा के अंदर इसके जो प्रमुख स्थान मिले हैं वो है राखी गढ़ी और बनावली।
इन क्षेत्रों में इस सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं खुदाई के दौरान। ठीक, पंजाब में आपका रोपड़, लोथल, ये महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर इस सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आपका कालीबंगा, यहां पर भी इसके अवशेष मिले हैं। पाकिस्तान में आपका बलूचिस्तान और सिंध, इसमें महत्वपूर्ण स्थान जो है वो मोहनजोदड़ो, ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का फेमस शहर रहा होगा, ऐसा हमें इसके अध्ययन से पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जो मिस्र की सभ्यता से लगभग 20 गुना बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? 20 गुना। और ये सभ्यता उस समय को देखते हुए, अपने समय को देखते हुए काफी विकसित सभ्यता थी। यहां पर इसका जो विस्तार था वो 215,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। यदि हम इसको एक बार दोबारा देखें तो इसका विस्तार कहां से कहां तक था? पूर्व में कहां तक था? आलमगीरपुर तक, पश्चिम में सुत कांगेडोर तक, उत्तर में मांडा तक और दक्षिण में डेमाबाद तक। इतने क्षेत्र के अंदर ये सभ्यता फैली हुई थी। इसका जो उत्तर से और दक्षिण तक 1400 किलोमीटर, पूर्व से और पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक ये सभ्यता फैली हुई थी। और इसके जो प्रमुख स्थान थे वो आपके कौन कौन से बताए हमने? पंजाब, ये हमारे भारत के हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में आपका बलूचिस्तान, सिंध आदि प्रांत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देखते हैं। जैसा हमें खुदाई से जानकारी मिलती है तो ये अपने आप में एक अच्छी सभ्यता थी और इसका अभी अध्ययन चल रहा है। जैसे जैसे इसके बारे में जो जो जानकारी आती रहेंगी वो समय अनुसार सिलेबस में शामिल होती रहेंगी। तो आ गया होगा समझ में? या किसी बच्चे को कुछ पूछना है? हो गया क्लियर? तो इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था कुल? और उत्तर